आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग और अब इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में और ये लोकसभा सीट है राजगढ़। यहाँ पे सरकार तो आपको मालूम ही है, बीजेपी की सरकार है और ग्राउंड पे क्या स्थिति है इसके विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे जो है क्षेत्र के लोग हैं, इनका ये गांव है, एक छोटा सा ही गांव नज़र आ रहा है, इनसे बात करेंगे। हमने देखा कि महिलाएं पानी के लिए डब्बों का लाइन लगा के यहाँ पर खड़ी हुई हैं और बच्चे भी लगे हुए हैं और एक नलके में से पानी आ रहा है और दावे बड़े बड़े करे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो थोड़ा सा ग्राउंड पे देखा जाए कि आखिर स्थिति है तो है क्या। हाँ साहब, कौन सा गांव, कौन सा आई है? नई दिल्ली छापरा। छापरा, छापरा। अच्छा, ये लोकसभा कौन सी है? सारंगपुर। और विधानसभा कौन सी लगती है? लोकसभा राजगढ़। लोकसभा राजगढ़ है ये, है ना? और विधानसभा सारंगपुर। तो ये जो पानी की यहाँ डब्बे ये लग रहे हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि ये मतलब ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये ट्यूबवेल से आ रहा है, ट्यूबवेल लग रही है। ट्यूबवेल लग रही है, ट्यूबवेल से आ रहा है। अच्छा, घरों में अलग अलग व्यवस्था नहीं है? नहीं, घरों में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब पूरे जितने भी गांव के लोग हैं उन्हें यहीं पे आना, सब यहीं आना पड़ता है, सब यहीं से भर के ले जाते। अच्छा, ऐसा भी है कोई टाइम टेबल का भाई इस टाइम ही ये पानी की व्यवस्था होगी? नहीं, वो तो ये चलता है, तो पानी मिलता है तो पानी नहीं मिलता, सुबह शाम मिलता है पानी। अच्छा, सुबह शाम पानी? मतलब फ्रॉड ना ले ये, अगर इनका मर्जी होता चलता है तो चलने देता है, अगर नहीं तो ये पानी मिलता है तो मिलता है। मर्जी होता है, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड है अपन कोई इनका कहना है कि ये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ये प्राइवेट है। और प्राइवेट जब तो इसका कोई चार्ज वार्ज लगता है या फ्री सेवा? तो इनका धारा में जो पिला रहे हैं पानी, ये चलता रहेगा तो पानी मिलेगा, बंद है तो पानी नहीं मिलेगा किसी गाँव वाले। मतलब इनका कहने का ये है कि ये धर्म के हिसाब से, यानी कि अपने जो है परोपकार के हिसाब से ये पानी को चला रहे हैं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर ये व्यवस्था तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है भाई, ये तो सरकार की तरफ से होना चाहिए। मानो सड़क है, स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जो आम लोग हैं, आप सब लोग भाई, सब लोग वोट अगर देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करे, पानी की व्यवस्था अच्छा, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है? अच्छा, पानी भी तभी आता है जब वो अगर चलाएं सुबह को, जब ही आएंगे सब लोग और जब ही तो अब ये पानी पीने में इस्तेमाल करते हो आप लोग? ये पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं और नहाने में? नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नहाने धोने में ये इस्तेमाल करते हैं? तो बहुत पानी ले जाना पड़ता होगा? बहुत पानी ले जाना पड़ता है, बहुत सारा पानी ले जाना पड़ता होगा। तो ये तो एक घर में 200 लीटर पानी डेली ले जाना पड़ता है। तो ये तो एक नया काम है कि भाई पानी ढोना सुबह से शाम तक, कम से कम एक आदमी को दिन में मेरे ख्याल से 20-30-40 लीटर पानी चाहिए, और घर में अगर 5 मेंबर हुए तो कम से कम 100-200 लीटर पानी होगा। अब ये तो पर्सनल ट्यूबवेल है सर इनकी? अच्छा, जो ये मकान वाले ना इंद्रसिंह जी, हाँ, पर्सनल ट्यूबवेल है, पर ये सेवा कर रहे हैं पूरे गाँव की। तो देखो ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं कि गाँव वालों की ये जो, एक बार दिखाओ जरा कैमरामैन से कहूंगा मैं, जरा इन्हें दिखाएं, ये इनका घर है और ये सेवा के माध्यम से इन सब लोगों को फ्री ये पानी की व्यवस्था इन्होंने कर रखी। और
सुबह शाम ये पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये जो जिम्मेवारी बनती है ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और क्या क्या समस्या है? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे वो है, वो लेडीज बोल रही है कुछ जो महिलाएं भी कुछ बोलना चाह रही है, वो भी उनमें भी मौका मिलना चाहिए। बोलो 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 पानी भर के लाओ, ये तो मोटो बेल चल गए तो हम यहाँ से बाहर ला नहीं, हमारे एक पच जाए पानी में, रोटी का ठिकाना नहीं है हमारे, बाहर जाते हैं। मतलब 10 बजे लाइट आती है तो आप पे तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाद में कहीं ना कहीं पानी भी बंद और घर की तो देखो, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि शहरों में और गांवों में जो अच्छे खासे ठीक ठाक गांव है वहाँ पे महिलाओं के लिए कितनी आसानी है और यहाँ महिलाओं के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि महिलाओं को सुबह से शाम तक पूरे घर का पानी की व्यवस्था भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं और उसके बाद में सबको खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है। कितना ही बड़ा चैलेंज है महिलाओं के साथ और ये उसी चीज को ये महिलाएं लगातार बता रही हैं। चलो और लोगों से ही बात करते हैं, इनसे ये भाई साहब कुछ कहें जी। आपका नाम क्या है? मेहरूलाल नेताजी साहब। तो अब इन लोगों ने बताया आपके यहाँ जो महिलाएं ये बताएं कि भाई इन्हें तो बड़ी दिक्कत है भाई, ये सुबह से शाम तक पानी भरे, फिर घर के बालकों को भी पालें, फिर आपको रोटी खाने पीने का व्यवस्था करें, कपड़े भी धोने, तो ये तो और ज्यादा काम बड़ा हुआ है। तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो प्राइवेट है, ये बेचारे भले इन्होंने व्यवस्था सुनवाई नहीं। तो देखो सब लोगों का यही कहना है कि स्थिति आपको ग्राउंड देखने के बाद में आपको एहसास होगा ग्राउंड पे क्या है और कहने के लिए और भाषणों के लिए क्या है। ना आपने महिलाओं की बात सुनी, यहाँ पे ये नौजवान है इनकी बात सुनी और ये बराबर में इनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई हमारी जो मदद कर रहे हैं ये जिनकी ट्यूबवेल है ये हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे ये ही काम में आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। हमारे राजा साहब ने पहले भी हमारी मदद करी, ऐसी कोई बात नहीं। राजा साहब किन की बात कर रहे हैं आप? राजा साहब वहाँ बताओ, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने मदद करी। हाँ, क्या मदद करी? बहुत मदद करी हमारी यार, अच्छा ये उनकी जमीन बांटी हुई है तो ये मतलब ये सारी जो कॉलोनी है उनकी बसाई हुई है। गरीब लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं, दलित आदिवासी लोग हैं। तो देखो इनका ये कहना है कि ये जो जगह जो वितरित करी गई थी या बांटी गई थी, दी गई थी कमजोर लोगों को, वो कांग्रेस सरकार में दी गई थी और उस दौरान में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। तो देखिए ग्राउंड पे स्थिति आपको देखने के बाद में एहसास होगा कि महिलाओं की यहाँ पर क्या स्थिति है। नई किसी दूसरी वीडियो में और ग्राउंड से आपको सारी स्थिति जब जाहिर करेंगे। गांव का कहना है कि पानी की समस्या है और पानी की समस्या कितनी गंभीर है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सारी महिलाएं बोली कि नहीं, हम उस जगह को ही आपको दिखाते हैं जहां हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। तो देखो तमाम प्लास्टिक के बर्तन हैं, इन बर्तनों को लेके और ये इसमें पानी दूर दूर से भर कर अपने घरों पर लेके जाते हैं। देखो चारों तरफ डब्बे ही डब्बे लगे हुए हैं और ये महिलाओं के लिए कितनी कष्टदायक है, पीड़ादायक है कि दूर दूर से पानी लेकर और अपने घरों को इन्हें जाना पड़ता है। तो ये सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इनको पानी ले जाने में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इनकी सरकार से दरख्वास्त है कि इनकी जो समस्या है पानी की, वो तालाब के माध्यम से पूरी होनी चाहिए। अभी के लिए
सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।